इकट्ठे मिल वाड़ हैं कुछ होते हैं सिंचित कर कि जितने इकट्ठे करें तो बच्चे हुए कर्म इकट्ठे कर दिए जाते हैं एक खाते में और कुछ फिर उनमें से छाँट करके हम लेके आते हैं इधर ये हो गएंगे हम यहाँ पर मिश्री हैं सबके सब चाहे कोई बड़ा आदमी हो चाहे कोई छोटा हो आप समझे ना सबके मिश्र नहीं कहते कि ये काम करेगा तू ये काम राष्ट्रपति बन गया जाता है तो कोई चपरासी बन गया जाता है काम करता है अलग अलग सब मिश्री हैं ईश्वर अंश सब केंद्र ईश्वर है वो ईश्वर जो तत्व रूप से छोटे से किरण सब केंद्र इसको लिखा रामायण बताते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन विमल सह शुक्राशी सो माया बस मुझे गुसाई आप ही मुझे बढ़ते हैं मतलब ईश्वर अंश है चेतन है विमल है सहज है शुक्राशी है परंतु अज्ञान से माया का बस बंध गए माया मानी है नहीं भाजती है मोया था और आप ही बंध मरकट कहते हैं बंदर को बंदर की तरह कैसे बंदर जाता घड़े मार देता लाडू है लाडू से ऐसे मुठा पड़ गया अब घड़े से वो मुठा तो वो खोलता नहीं और लाडू नीचे गिरते नहीं हाथ से गिरता नहीं अगर उसको ज्ञान हो जाए फट खोल दे निकल जाए भर जाएगा अज्ञान से बनता है बंदर ये हालत मनुष्य की हो जाए इस लोग चाहे वो IAS हो चाहे IPS हो चाहे प्रकांड पंडित हो चाहे विद्वान हो चाहे वो चपरासी हो चाहे मजदूर हो किसान हो हर मनुष्य अज्ञान से दुख हर आदमी अज्ञान से दुख तगड़ा ज्ञान वो मैं अभी सत्संग दूंगा तो बताऊँ अब मैं आपको भूमिका बता देता हूँ तो वो जो ज्ञान है उससे दुखी है अज्ञान को दूर करने के लिए सत्संग आप समझे कि नहीं ये सत्संग जो हम भवसागर है इसको डूब रहे फिर क्या आप फिक्र वो कहते हैं भवसागरी हो डूबो घूमो डूबे जग संसारा सतगुरु पार उतारे सब संत उतारे कि सतगुरु पार उतारेगा क्या करता है वो पुड़ लगाता है अंदर पुड़ उड़ता ये सत्संग इससे आदमी को हौसला मिलता है सत्संग तो मैं पहले चाहूंगा ये डॉक्टर कमला बैठी ये योगी है और विद्वान है तो PhD ही तो विद्या केंद्र PhD डिग्री आखिरी होता है विद्या पंडित आखिरी एंड बस यहाँ डिग्री वो अलग बात है कोई कई विषय में PhD करे तो PhD कौन से धर्म कर्म के विषय संस्कृत की असुर से आई और योग ये है कि ये योग के अंदर क्या होता है अंदर लाइट एंड साउंड है आदमी के अंदर प्रकाश है जबरदस्त सफेद रंग का और जबरदस्त राम नाम की ध्वनि इसको राम नाम कह दो निज नाम कह दो साउंड कह दो इंटरनल वॉइस कह दो बहुत से नाम से पुकारा उसको क्योंकि मंत्र मुक्त आदमी हूँ मुक्त है जीव तो मुक्ति है मेरे जीवते मुक्ति का अनुभव है मुझे मरने के बाद पता नहीं क्या मुझे मालूम है अभी जीवता भी मुक्त रहता हूँ कब हर वक्त नहीं रहता जब तक उस नाम के साथ जुड़े रहता हूँ धार के साथ जुड़े रहता हूँ मुक्त हूँ और जब भूल जाता हूँ मैं बेट बैठ जाता हूँ विचारों में आ जाता हूँ आप समझे नहीं सहज खेल है सहज योगी हूँ चलते फिरते खाते पीते अब आपको भाषण दे रहे हो योग में बैठा उससे टच हो नाम से आप भाषण दे रहे हो लेकिन कभी भूल जाता हूँ तो फिर मैं भी भूल जाता हूँ कह कह कि विचारों में आ जाता हूँ कैसे कैसे आइए कैसे वैसे नहीं सुनना अरे बहुत आते हैं मेरे को सब ज्ञान पूरा अब मैं आपको सत्य दूंगा बाद में सत्य देर बाद पूछूंगा आपको कि मेरे को प्रश्न पूछो अगर आपको उसी को पूछोगे तो मैं धर्म के बारे में पूछना कोई प्रश्न पूछना देखो क्योंकि योगी हूँ मैं जो आप पूछोगे वो बात वो उससे जुड़े हुआ हैं आप वही तो मैं वही आप पर इतना मेरे को ऊपर उठा दिया आप नीचे बैठे इसी बात और कोई खास बात नहीं आप समझते नहीं बराबर वही एक बहुत बड़ा बैठा राष्ट्रपति ऊंची ऊंची बैठा है वही तो राष्ट्रपति वही आप हैं वो उसी रुटी बार है काम करने के लिए आप में से ईश्वर तो मैं चाहूंगा आप पहले ये विद्वान हैं और योगी और साथ साथ बोर्न लेक्चरर मैं पढ़ाती रही हमेशा कॉलेज में केंद्र संस्कृति विद्वान को पढ़ाती रही सेमिनार लगाती है जाती है मैं विद्या कॉलेज में भी तो ये क्या ये विद्वान भी हैं योगी भी और मैं तो अपनी साधारण अपना घर का आदमी मेरे तो गिफ्ट है गिफ्टेड हूँ आदमी ऐसे ही रिलेटेड हो गया और ये एंड है मेहनत करके कमाएंगे तो आप आपको कुछ कहेंगे उसके बाद मेरे को मौका दे दीजिए मैं बोलूँ गुरुदेव महेश गुरु साक्षात पर ब्रह्म प्रेमी सत्संगी भाई और बहनों आज हमारे बहुत ही शुभ कर्म है जो आप एक ऐसे महापुरुष के सामने बैठे हैं जिनको मैं साक्षात मालिक का स्वरूप कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये बात मैं क्यों कह रही हूँ क्योंकि मैं बहुत महापुरुषों के संपर्क में रही हूँ दोस्तों को सुनने का मौका मिला दोस्तों के दर्शन करने का मौका मिला
और बहुत ही नजदीक रहने का मौका मिला। तो उसमें मैंने क्या सार देखा कि जो महापुरुष है वास्तव में जो कहते हैं वैसे उनकी रहनी नहीं होती, क्योंकि भाषण देना और है, भाषण में रहना और है। ये बात मैं क्यों कहती हूँ कि जिनको मैंने सुना देखा तो उनसे मैं मिलना चाहती रही। ये मेरे कोई बचपन का ही प्रारंभ से ही आप मेरा कर्म कहो कि मुझे बचपन से ही इस राम नाम का शौक था। जब मैं स्कूल में पढ़ती हुई कॉलेज में आई, स्कूल में तो बस आरतियाँ वगैरह सीखी, जबकि हमारे घर में कोई धार्मिक संस्कार नहीं थे। तो मेरी फ्रेंड्स वगैरह से मैंने जो है राम नाम की आरती ओम जय जगदीश वगैरह ये सीखी। उसके बाद जैसे जैसे कॉलेज में आई तो वहाँ एक गीता भवन था, तो वहाँ बड़े बड़े जो है महापुरुषों के प्रवचन होते थे, तो उनके प्रवचन मैं सुनती थी और मैं बड़ी प्रभावित होती थी और उनसे मैं मिलना चाहती थी। तो जिन भी महापुरुष को मैं सुनती थी तो उनसे मैं मिल करके बहुत कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन आप देखते हैं कि जहाँ ज़्यादा भीड़ होती है तो वहाँ हमसे हमें मिलने नहीं दिया जाता। तो उनके पास जाने की तो बात ही बहुत दूर की होती है, केवल दर्शन कर लो या सुन लो। तो उससे मेरी तृप्ति नहीं होती थी, क्योंकि मेरे मन में बहुत शंकाएं थी, भ्रम थे। मैं उनसे जानना चाहती थी, पूछ करके जो मेरे सवाल थे। तो इस तरह से दौड़ धूप करते करते मैं एक महापुरुष के संपर्क में क्या मुझे एक पुस्तक मिली जो महाराज जी के गुरु थे पंडित फकीर चंद जी, उनकी एक पत्रिका मिली मुझे मानव मंदिर। उसको पढ़ करके, उस टाइम मैं कुरुक्षेत्र में पीएचडी कर रही थी, बड़ी प्रभावित हुई और उस पुस्तक को पढ़ करके मैं कुरुक्षेत्र गई। लेकिन ये मेरा दुर्भाग्य था कि वहाँ जा करके मुझे पता लगा कि वो महापुरुष चोला छोड़ चुके थे। तो उनके स्थान पर जो बैठे थे वो भी पीएचडी थे, प्रोफेसर थे, अमेरिका में टीच करते थे, तो वहाँ पर वो गद्दी पर वो आए थे। उनके नज़दीक रहने का मुझे बड़ा अवसर मिला, उनके साथ में कई बार टूर पर भी गई, लेकिन जो मेरी तलाश थी वो मेरी पूरी नहीं हुई, मतलब मेरी तृप्ति नहीं हो पाई। हाँ, दुनिया के काम तो मेरे सब हो गए, वो उस वजह से हुए, वो अब मुझे रहस्य समझ में आया कि आदमी को दुनिया के काम की सफलता कैसे मिलती है, क्योंकि मुझे हर काम में सफलता मिली। उसका कारण क्या था कि मेरे माता पिता हरियाणा में भिवानी दिनोद एक स्थान है जहाँ पर महाराज ताराचंद जी थे, तो उनके संपर्क में थे, उनके मैंने बहुत प्रवचन सुने। तो उनके प्रवचन से एक बात मेरे पल्ले पड़ गई कि संत वचन पलटे नहीं पलट जाए प्रमाण। तो ये बात मेरे दिमाग में घर कर गई थी। तो जब मैं होशियारपुर के महापुरुष के संपर्क में जाती रही तो मैं उनसे आशीर्वाद लेके आती थी, क्योंकि ये बात पहली है कि जब तक हमारी ये दुनिया नहीं बनती हम परलोक में नहीं जा सकते। हालांकि मेरी बचपन से ही उस राम नाम को जानने की तलाश थी, लेकिन जब मैं पीएचडी कर रही थी तो मेरे साथ में इच्छा क्या थी कि मेरी पढ़ाई पूरी हो जाए, मुझे नौकरी मिल जाए, ताकि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊँ, किसी से मुझे मांगना ना पड़े। तो ये मेरी ज़रूरत थी और इस ज़रूरत के लिए मैं महाराज जी के पास जाती थी। सत्संग में भी आनंद आता था, लेकिन ये इच्छा साथ में थी। तो मैं उनसे आशीर्वाद लेके आती थी और वो जो आशीर्वाद देते थे तो मुझे ये लगता था कि ये संत हैं और इनका वचन खाली नहीं आ सकता, क्योंकि ये संस्कार मैंने पहले ग्रहण किया था। तो उनके आशीर्वाद से कहो कि जो मैं लेकर के आती थी प्रसाद या जो उनसे आशीर्वाद लेके आती थी, मेरी दुनिया में काम धीरे धीरे सभी पूर्ण हो गए। जो मैं सोचती थी, वैसे बचपन से भी उनसे मिलने से पहले भी मैं आँख बंद करके राम को मानती थी। रामलीला को देखने से मेरे अंदर ये संस्कार बना था, क्योंकि बचपन में अब तो टीवी चल पड़े हैं, उस समय मैं रामलीला देखती थी, तो मुझे राम से बड़ा लगाव था और मैं आँख बंद करके जो है जो भी मांगती थी मेरा सहन हो जाता था। उसके बाद महापुरुषों के संपर्क में आई और जब मुझे पीएचडी करने के पश्चात वहाँ फतेहाबाद में कॉलेज में नौकरी मिल गई, तो वो मेरी जिज्ञासा कि वो राम है किस रूप में, उसको मैं जानना चाहती थी, वो तलाश और प्रबल हो गई। तो उस तलाश को ढूंढते ढूंढते मैं होशियारपुर जाती रही और इसके अलावा भी ब्रह्म कुमारियों का, आशाराम का, जहाँ भी मुझे मौका मिला मैं सुनती रही, लेकिन मुझे तृप्ति नहीं हो पाई। और होशियारपुर में उस गद्दी पे क्या है कि वहाँ अलग अलग स्टेट के अलग अलग आचार्य बनाए हुए हैं, तो उन आचार्यों के संपर्क में भी रही। अब ये संयोग देखो कि महाराज जी वहाँ जाते रहे, मैं भी जाती थी और मुझे इनसे मेरा मिलाप नहीं हो पाया। 12 वर्ष तक मैं वहीं जाती रही। कारण क्या था कि ये जो है ऊपर स्टेज पे नहीं बैठते थे, नीचे बैठते थे,
और शायद ये मेरे जाने से पहले बोल लेते थे, इनको सुनने का मुझे मौका ही नहीं मिला, और जितने आचार्य थे वो ऊंचे स्टेज पर बैठते थे तो मुझे पता ही नहीं लगा कि ये भी आचार्य हैं, तो इसलिए मेरी इनसे मुलाकात हो नहीं पाई, ना इनको सुनने का मौका मिला। 12 वर्ष के पश्चात इनको एक बार मुझे सुनने का मौका मिला, तो मैं इनके संपर्क में आने की मैंने कोशिश की, इनके से मिलने की, जहाँ ये रुके हुए तो मैं भी जब भीड़ इनके पीछे पीछे थी वहाँ चली गई, तो इन्होंने मुझे देख करके कहा कि तू कौन है, हरियाणा से आई है, कहा, कहने लगे जिस चीज़ के लिए तू यहाँ आई है तुझे वो यहाँ नहीं मिलेगी। पहली बार देखते ही इन्होंने ये कहा। मैंने कहा महाराज जी कहाँ मिलेगी, इन्होंने कहा कि मैं जो है जयपुर जाता हूँ, वहां मैं इंडिपेंडेंट सत्संग देता हूँ, गुरुओं की गद्दी पर मैं उनकी बात नहीं कहता, तो आप वहां आना, मेरे सत्संग सुनना, उसके बाद तुम्हें ऐसे समझ में आ जाएगा। फिर मैं जयपुर आई और एक बार नहीं कई बार आई, तो मुझे इनकी बात में बड़ी सच्चाई लगी, क्योंकि इससे पहले जो मैंने पुस्तक पढ़ी थी जो इनके गुरु की, वही चीज मुझे इनके अंदर अंदर जो है नजर आई। फिर भी जो है क्योंकि कई जगह मैं भटक चुकी थी तो मेरा विश्वास नहीं बन रहा था, तो इनके पास मैं आते रही। 3 साल तक इनको मैं सुनती रही, यहाँ तक कि मैं इनके गांव दादू भी गई, चुरू भी गई, जहाँ इन्होंने कोचिंग सेंटर खोला हुआ था, और इनका मैं रहनी सहनी देखती रही, तो मैं बहुत ही प्रभावित हुई, क्योंकि मैंने इससे पहले जितने महापुरुषों को देखा था, बड़े राजसी ठाट बाट से रहते हुए देखा था, और महाराज जी उस समय गाड़ी से बस से आते थे, ये मेरे लिए बड़ी नई बात थी, क्योंकि इससे पहले जितने महापुरुषों को मैंने देखा था सब गाड़ियों में चलते थे, काफिला चलता था उनका, तो ये मैंने देखा कि ये महापुरुष तो बड़े अलग ही हैं, कि जो बस में जाते हैं, इनके साथ दो लेडीज होती थी, बुजुर्ग थी, उनकी सेवा करते थे, उतर करके उनको चाय पिलाना, पानी पिलाना, तो ये बात मेरे को बड़ी छू गई दिल तक, ये ऐसे महापुरुष तो मैंने आज तक ही नहीं देखी, ऐसे तो सिर्फ कबीर को पढ़ा है कि कबीर ताना बुनते थे और ऐसे। उसके बाद दूसरी बात जो है मैंने देखी कि कितने लोग इनको सेवा बेच रहा देते थे, तो बैग इनका भर जाता था, भीलवाड़ा से संगत आती थी, कितने कपड़े इनका पूरा बैग भर जाता था, और संयोग बस एक बार में इनके साथ चुरू चली गई, मैंने कहा मैं वहां से मैं दाखिल चली जाऊंगी, तो वहां मैंने देखा कि इनको बैग उठा करके ले जाने में कितनी परेशानी हुई, और फिर वहां जाकर के पूरा का पूरा बैग मेरे सामने जरूरतमंद को इन्होंने खाली कर दिया। तो मैंने कहा महाराज जी आप इतना सामान उठा करके लाते हो, इन औरों को दे देते हो, तो कितना अच्छा हो कि अगर उनको ये कह दिया जाए कि भाई आप सामान न दे करके महाराज जी के आने जाने की व्यवस्था कर दें, अगर एक नहीं दे सकता तो मिल करके दे दें, क्योंकि सामान तो आपने देना ही देना है, कम से कम आपके आने जाने की व्यवस्था तो हो जाएगी, अगर आप नहीं कह सकते तो उन जो है जो भीलवाड़ा से जो सेठ आते हैं उनको मैं कहने लगे नहीं ये मेरा काम है, आपको बीच में कुछ नहीं बोलना। खैर मैं देखती रही, तो इस तरह से मैं महाराज जी के रथ देखती रही। और दूसरी तीसरी बात जो मुझे सबसे ज्यादा इनसे मैं अट्रैक्ट हुई वो इनकी आंखों से, क्योंकि जब भी ये सत्संग देते थे तो एक ही बात कहते थे कि मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, सत्संग देता हूँ, मैं उससे जुड़ा रहता हूँ, 85-90% मैं उस राम नाम की धार से जुड़ा रहता हूँ और सत्संग देता रहता हूँ। तो उससे क्या होता है कि जो आने वाले होते हैं वो जिस डिमांड को लेके आते हैं मेरे मुंह से सहज में निकल जाती है, इसीलिए कहा गया है कि संत बोले सहज स्वभाव, संत का बोला मिथा है, क्योंकि ये मैंने अपनी आंखों से इसको आजमाया है। मैं जिस भी विचार को लेकर के महाराज जी के पास जाती थी ये वो की वो बात बता रहे थे। मैंने प्रश्न भी किया था कि महाराज जी आप कहते हो मैं ये संत महापुरुष अंतर्यामी होते हैं, इस बात से आप कहां तक सहमत हैं? तो उन्होंने कहा कि औरों का तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन मेरे अनुभव के अनुसार मैं बता सकता हूँ कि कोई भी पूरी तरह से अंतर्यामी नहीं है। हाँ वो जिस विचार को लेकर यहाँ साधना करता है, जानना चाहता है, तो वो जान सकता है, लेकिन वो सबके मन की ऐसे देख करके बता रहे ये मेरे अनुभव में नहीं आया। तो मैंने कहा भी आप तो जो भी आते हैं सत्संगी देखते हो कि वो कहते हैं जी हम तो ये विचार लेके बैठे थे आपने बता दिया, मैं जो भी प्रश्न लेकर के आती हूँ आपके मुंह से अनायास निकल जाता है, तो ये बात तो ये सिद्ध करती है कि आप अंतर्यामी हैं। तो फिर इन्होंने बताया कि ये वैसे इसका ये है कि मैं ना तो पॉजिटिव सोचता हूँ ना ही नेगेटिव सोचता हूँ, मैं उस धार के साथ जुड़ा रहता हूँ,
तो उससे क्या होता है कि आने वाले की रेडिएशन मेरे ऊपर पड़ती है और मेरे मुंह से वही बात सहज में निकल जाती है, मुझे इस बात का कुछ पता नहीं होता। ये इन्होंने बताया और ये बात बिल्कुल सत्य साबित हो रही है, क्योंकि कितने ही लोग आते हैं जगह जगह, हालांकि किसी को दीक्षा नहीं देती, कोई इन्होंने आश्रम नहीं बनाया। आप हैरान होंगे कि कितने लोग ऐसे आए हैं जो जमीन देने को तैयार थे, पैसा देने को तैयार थे, जगह बनवाने को तैयार थे, कि कहने लगे कि आपसे हम मिले कैसे, क्योंकि जो भी महाराज को सुन लेता था, अब तो मैंने पुस्तकें भी लिखवा दी है, ये पुस्तकें मैंने बड़ी आग्रह करके लिखवाई है कि मैंने कहा आप तो इतना ऊंचा ज्ञान देते हैं, ये ज्ञान तो आपके साथ ही चला जाएगा, तो कितना अच्छा हो कि अगर इस ज्ञान को पुस्तक बद्ध कर दिया जाए तो कितने लोगों को फायदा होगा। तो जो इनकी पुस्तक पढ़ता है, जो इनको सुनता है, वो इनसे मिलना चाहता है, इनके दर्शन करना चाहता है। तो इसलिए बहुत लोगों ने आग्रह किया, बहुत लोगों ने देने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं मुक्त हूँ, इस बंधन में मैं बंधना ही नहीं चाहता, मेरा जो है सत्संग ही नाम दान है, मैं किसी को किसी तरह की कोई दीक्षा नहीं देता, जो मेरे सत्संग सुन लेता है, जो मेरी पुस्तक पढ़ लेता है, तो काफी हद तक उसको ज्ञान हो जाता है, उसके बाद केवल कमाई करने की बात रह जाती है, क्योंकि उन पुस्तकों में वो ज्ञान लिखा है कि आदमी के सब भ्रम जो है खत्म हो जाते हैं, उसकी भटकन छूट जाती है, क्योंकि मैं कितनी जगह भटकती रही। और अगर आपकी भटकन छूट जाती है, आपको इस धर्म का रहस्य समझ में आ जाता है, फिर तो परमात्मा अंदर ही है, केवल उसको जानना बाकी रह जाता है, और वो जानना जो है वो कैसे होगा, मन की एकाग्रता से। तो मन की एकाग्रता बाद में आती है, पहले ये समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको थ्योरी समझ में नहीं आई तो प्रैक्टिकल कैसे करोगे, और हम क्या करते हैं, सीधा प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, हमारी दुनिया बड़ी नहीं होती, हम जो है संसार में दुखी हैं, कोई जो है अपने संतान से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई किसी तरह से दुखी है, तो हम जाते तो महापुरुषों के पास अपने समस्याओं को लेकर हैं, और फिर कहते हैं कि महाराज जी हमारा ध्यान नहीं बनता, ध्यान कैसे बनेगा, क्योंकि ध्यान तो हमारी जरूरत ही नहीं है, हमारी जरूरत तो पहले यहाँ की है, और जब तक ये जरूरतें आपकी अभाव रहेगा, इन जरूरतों का अभाव रहेगा, खटपट रहेगी, तो साधना बन नहीं सकती, क्योंकि मन की एकाग्रता तभी बनती है जब आपके विचार छूट जाते हैं। ये इस अध्यात्म में एक जरूरी बात है जिसको हम समझ नहीं पाते हैं, और संसार में भी देख लो आप, अगर बच्चा स्कूल की पढ़ाई नहीं पढ़ता तो वो विद्यालय में महाविद्यालय में उसका एडमिशन हो ही नहीं सकता, कॉलेज वो जा ही नहीं सकता, क्योंकि वो उसको डिग्री पास स्कूल की करनी जरूरी है। तो इसी तरह से अगर हमारे लोक में अभाव है, खटपट है, और हम दुखी हैं, तो अगर कोई जीवित गुरु, अनुभवी गुरु मिल जाता है, तो वो आपको धीरे धीरे जो है इस संसार में जीने का तरीका बताता है, जिससे आपकी सभी समस्याएं धीरे धीरे जो है पूरी होने लग जाती है, और आपको जीने का ढंग आ जाता है। जब जीने का ढंग आ जाता है और धर्म का रहस्य समझ में आ जाता है, फिर उस नाम को पाने में देर नहीं लगती। निश्चयात्मक बुद्धि होनी बहुत जरूरी है, हमारी निश्चयात्मक बुद्धि बढ़ती नहीं है। मैं कितने ही महापुरुष के महाराज जी को देख लूं, कब से कितने लोग इनके संपर्क में आए, कितने ही चले गए, क्योंकि लोगों का विश्वास बढ़ता ही नहीं है, और जब तक विश्वास नहीं बनेगा काम होगा नहीं। विश्वासम फलदायक, महाराज जी हमेशा कहते हैं कि किसी के अंदर भी शक्ति नहीं है, शक्ति आदमी के विचार, विश्वास और आस्था में है। अगर उसका कहीं विश्वास बन जाता है, आस्था बन जाती है, तो उसकी आस्था बड़ा रंग लाती है। और ये बात हम देख भी रहे हैं कि कोई राम को मानता है, कोई देवी को मानता है, कोई बालाजी को मानता है, कोई शिव को अपना इष्ट मानता है, और हम जाते हैं मन्नत मांगते हैं तो पूरी हो जाती है। तो क्या किसने पूरी की, हम सोचते हैं शिव ने की। तो ये रहस्य समझ में आ जाता है कि अगर शिव या देवी देवता मन्नत पूरी करने वाले हैं तो सभी की क्यों नहीं होती, वो तो पक्षपात नहीं करते, सबकी इच्छाएं पूरी हो जानी चाहिए, जाते तो सभी हैं, तो सबकी क्यों नहीं होती। एक बात सोचने वाली है, सबकी इसलिए नहीं होती कि सबकी आस्था भी एक जैसी नहीं होती। आधे लोग तो देखा देखे जाते हैं, देखता के जाते हैं। तो इस तरह से जब आस्था बनती है, जहां पर भी बन जाए तो इंसान का काम हो जाता है। तो दुनियावी जरूरतों के लिए तो आप एक पत्थर की मूर्ति, जिसको भी आप इष्ट मानते हैं, उससे भी हो जाती है,
लेकिन ज्ञान जो है वो जीवित गुरु से ही मिल सकता है। जीवित गुरु जो है वो आपकी प्रकृति देखकर और अनुभवी महापुरुष सभी को एक ही बात नहीं कहता, वो आपकी प्रकृति देखकर के बताता है कि आप ऐसा करो, जीने का ढंग बताता है। इस तरह करते चलो, अगर आपका विश्वास है और उसी के अनुसार करते जाते हैं तो आपका जीवन बदल जाता है। लेकिन कितने लोग आते हैं, महाराज जी के पास भी आते हैं, फिर दूसरी जगह भी चले जाते हैं, फिर तीसरी जगह भी चले जाते हैं। इसी तरह से जैसे एक सिरसा में सच्चे सौदे का भी आपने नाम सुना होगा, तो उसने जाकर के पहले वो बालाजी का भगत था, उसके बाद जो है वो सिरसा उसने महाराज जी से नाम ले लिया। तो बालाजी उससे छुटे नहीं, तब तक बालाजी के पास भी जाता रहा। तो किसी ने जाकर के महाराज जी को शिकायत कर दी कि इसने तुझे अभी बालाजी की सेवा मणि करी है, ये तो बालाजी के पास जाता है। महाराज जी ने पूछा भी क्या बात, अब तो तूने नाम ले लिया, अब तो तुझको जरूरत ही नहीं होनी चाहिए बालाजी के पास जाने की। कहने लगा जी मैं छोटा छोटे मोटे काम तो बालाजी से ही करवा लेता हूँ, बड़े काम आपसे ले लो। कहने का ये मतलब ये है कि अगर रहस्य समझ में आ जाता है तो आप कुछ करोगे नहीं, सब अपने आप ऑटोमेटिकली छूट जाएगी, क्योंकि ईश्वर तो एक है, ईश्वर तो अनेक हो ही नहीं सकते। और वो ईश्वर एक है, वो आपके अंदर ही है, उसी को जानना है। तो जब ये आपको समझ में आ जाएगा तो आपसे धीरे धीरे